संगम की रेती पर लगे माघ मेले का पांचवा स्नान पर माघी पूर्णिमा का है। मेला प्रशासन की ओर से माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही माघ मास का समापन हो जाएगा, जो श्रद्धालु कल्पवास कर रहे थे। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही कल्पवास भी पूर्ण हो जाएगा। कल्पवासियों को अपने टेंट से गंतव्य को जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। मेला क्षेत्र से निकलने के लिए पीपा पुल नंबर 2 और 4 का प्रयोग कल्पवासी करेंगे। कल्पवासी अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच सके, इसके लिए चारों दिशाओं में अलग से रूट का निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, सुगमता पूर्वक श्रद्धालु संगम में पहुंचकर डुबकी लगाकर अपने गंतव्य तक जा सके, इसके लिए एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। मेला क्षेत्र में बने खोया पाया केंद्र भी लगातार अपना काम कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर 3.5 किलोमीटर लंबा दीप बैरिकेडिंग कर जाल डाला गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। इस बार के माघ मेले की खास बात यह है कि संगम में फ्लोटिंग चौकी भी बनाई गई है। इस चौकी पर डीएसपी रैंक का एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो 24 घंटे जल में होने वाले हलचल और संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर नजर बनाए रखेंगे। साथ ही संगम में चलने वाले नावों का मार्ग निर्धारित कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी वोट आपस में एक दूसरे से टकरा ना सके, कोई हादसा ना हो सके। नाविकों के लिए भी अलग से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। और माघ मास इस के साथ समाप्त होगा। जो कल्पवासी यहाँ पर पौष पूर्णिमा से प्रवास कर रहे थे, वो माघी पूर्णिमा स्नान के बाद प्रस्थान करते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए कल हम लोगों ने 2 व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। एक व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग यहाँ पर स्नान के लिए आएंगे, कल्पवासियों के साथ साथ अन्य बहुत सारे स्नानार्थी यहाँ पर आते हैं, उनको सम्यक और सुगम आवागमन देने के लिए पार्किंग की व्यवस्थाएं और एकल दिशा मार्ग, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं, विभिन्न ड्यूटियों का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही जो कल्पवासी यहाँ पर प्रवास कर रहे थे, उनके प्रस्थान के लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कानपुर लखनऊ मार्ग वाले कल्पवासी किस प्रकार से जाएंगे। चित्रकूट, रीवा, सतना, मध्य प्रदेश में जाने वाले कल्पवासियों का मार्ग निर्धारण कर दिया गया है। वाराणसी, जौनपुर जाने वाले कल्पवासियों का मार्ग निर्धारण कर दिया गया है। साथ ही साथ पीपे के पुल 2 नंबर और 4 नंबर का प्रयोग करके वे अपने गंतव्य को वापस जा सकेंगे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही चूंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयां जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व में योगदान दिया है, जिसमें यातायात पुलिस के लोग, घुड़सवार पुलिस के लोग, नागरिक पुलिस के लोग, महिला पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, एटीएस के कमांडोज, एसटीएफ की टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एएस चेक टीम्स, एंटी रोमियो टीम्स।